नमस्कार दोस्तों, पर्वत प्रदेश में पावस पार्ट टू में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें की थी और पाठ प्रवेश के बारे में थोड़ी सी बातें की थी। पार्ट टू में हम देखेंगे कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कौन कौन सी बातें कही है। तो आइए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु से मतलब है बारिश का मौसम। बारिश का मौसम चल रहा है और पर्वत का प्रदेश है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र में बारिश का जो मौसम चल रहा है वो किस प्रकार से है उसका वर्णन है। पावस ऋतु बारिश के मौसम में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति जो है वो हर घड़ी पल पल हर घड़ी परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, वो कवि का कहना है। बारिश के मौसम में पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति जो है वो हर घड़ी हर पल परिवर्तित होती दिखाई देती है। आगे कवि ने लिखा है, मेखलाकार पर्वत अपार, बहुत सारे पर्वत हैं। अपार माने बहुत सारे। मेखलाकार, मेखलाकार मतलब कमर की आकार, कमर जो होती है उसको करधनी, करधनी के आकार की बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखलाएं वहाँ है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार करधनी के आकार की बहुत सारी पहाड़ की वहाँ चोटियाँ दिखाई देती है, कवि का ये कहना है। कवि ने लिखा है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र मतलब हजारों, दृग माने आंखें, सुमन माने पुष्प। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र मतलब हजारों, दृग माने आंखें, सुमन माने फूल। फूलों रूपी अपनी हजारों आंखों से वो देख रहा है। अवलोकना मतलब देखना, क्या देख रहा है। अपनी फूलों रूपी हजारों आँखों से पहाड़ जो हैं, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। अवलोकना मतलब देखना। फूलों रूपी अपनी हजारों आँखें हैं और उस आँखों से पहाड़ जो हैं वो देख रहा है। क्या देख रहा है? अवलोकना मतलब देखना है। अवलोक रहा है बार बार, अपने आप को बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला है ताल, ताल माने तालाब। दर्पण सा फैला है विशाल, विशाल माने बहुत बड़ा। दर्पण सा मतलब शीशे की तरह, मिरर आईना बोलते हैं ना, वो उसके जैसा वो तालाब उसके चरणों में फैला हुआ है। उसके चरणों में तालाब जो है वो फैला हुआ है और उस विशाल तालाब में पर्वत जो है वो अपने आप को देख रहा है। जैसे कि घर से निकलने से पहले हम लोग अपने आप को मिरर में आईने में बहुत बार देख लेते हैं, इस प्रकार है? तो ये बहुत सा सुंदर वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं भाग नंबर 3 में।